मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कच्चे आम की चटनी बनाने जा रहे हैं और ये जो आम है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा खट्टा आम है। पेड़ से आम तोड़ रहे हैं और हम ये आम से चटनी बनाएंगे, तो आप देखेंगे ये जो पेड़ से तोड़ के चटनी बनाने का जो तरीका है ना, ये बहुत ही औसम है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इट वॉज रियली अमेजिंग। आपका घर में कोई आम का पेड़ है या फिर आप मार्केट से कोई आम खट्टा आम लेके ये आप खुद भी बना सकते हो। आम की चटनी है ये आमतौर पे भारत में बहुत फेमस है और ये आमतौर पे समोसा और पकोड़े के साथ खाया जाता है, बट आप चाहे तो आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। चटनी बनाने का तरीका है पूरा सीधा है और ये आप अपने स्वाद के अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इनका छोटा छोटा टुकड़ा करके आप स्टोन मैशर में डाल दीजिए। चटनी है ना ये थोड़ा टेस्ट में खट्टा रहता है, थोड़ा मीठा रहता है और थोड़ा तीखा रहता है, तो तीनों का ब्लेंडिंग होके ये बनता है। बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हमको बनाने के लिए एक रॉ मैंगो चाहिए और दो ग्रीन चिली, जीरा, जागरी या शुगर और एक टेबलस्पून आपको सॉल्ट स्वाद के अनुसार। सारे इंग्रेडिएंट को आप स्टोन मैशर में डाल दीजिए और अच्छे से उसको कूट लीजिए। चाहे तो आप ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने अभी ये ऑथेंटिक बनाने के लिए मैं इसको स्टोन मैशर यूज कर रहा हूँ। उसका जो टेस्ट है बहुत अलग रहता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से बन गया है। तो अभी ये हम टेस्ट करेंगे कैसा लगता है बाउल में लेके। तो मेरे बेटे तो ऑलरेडी एक्साइटेड था, ही ऑलरेडी टेकन इट। चटनी बनके तैयार है, आज आइए हम सब मिलके टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कितना ऑसम है। मैं जस्ट थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ। दिस इज रियली अमेजिंग, दिस इज ऑसम एक्सपीरियंस। You can feel it. Wow, the aroma, I cannot explain it through the camera. This is so delicious and amazing.